अदिति है, बंदी है मेरी, और सुनिए गर्लफ्रेंड है। हरकत पे या फिर तेरी तारीफ कर मेरे दिल से तू ऐसे। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आज को फिर से वीडियो के साथ। तो गाइज आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड अदिति और मैं और अदिति मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त प्रैंक करने वाले हैं, वो भी जेनी के ऊपर। तो गाइज वीडियो पूरा एकदम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और गाइज आज हम लोग यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है, डेकोरेटेड है। इसमें हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं रमन भैया, एक्चुअली ये नहीं का रेस्टोरेंट है और ये बरुण चौराहा पे। तो आप लोग विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा यहाँ का डेकोरेशन और फूड है। यहाँ पे आप लोग पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो और यहाँ पे कैबिन्स भी हैं फॉर कपल्स। तो गाइज एक बार जरूर विजिट करना, और अगर आप लोग मेरा नाम यूज़ करते हो तो आप लोग को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, इनके थ्रू। तो जरूर विजिट करें और गाइज वीडियो देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। तब तक मैं कॉल करता हूँ जनी को, ठीक है। तो ठीक है, मैं जनी को कॉल कर लेता हूँ। एक्चुअली दो दिन से तो इग्नोर कर रहा हूँ, बस प्रैंक ही हो जाए, ठीक है। तो आज का प्रैंक, हेलो कहाँ पे हो आप? अरे मोहित आपका कॉल कैसे आ गया, टाइम मिल गया क्या कॉल करने का? कुछ बात करना है आपसे। क्या बात करना है बोलो, चार दिन से मैं कॉल कर रही थी तो नजर नहीं आ रहा था क्या? कुछ अर्जेंट बात करना है, बोला था ना कि आइए ना। कहाँ पे हो? हाँ बोलो मोहित। आप तो दिख रहा है बहुत बिजी हो। अरे मैं बिजी नहीं, मैं डांस क्लास आई हुई हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। एक्चुअली मैं आया हुआ था यहाँ पे, चौराहा पे हूँ, और किसी से मिलवाना भी था आपसे, कुछ बात करनी थी। किससे मिलवाना था? शूज से रिगार्डिंग बात करनी है क्या? मेरे लाइफ से रिगार्डिंग आई ना कुछ अच्छा है। तो मुझे एक से डेढ़ घंटे लग जाएंगे क्योंकि अभी जस्ट आई हूँ, चलेगा? देख लीजिएगा थोड़ा, मतलब हाँ ठीक है, क्योंकि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आप एक चौराहा कॉल करते हो, ठीक है? चौराहा पे DFM है रेस्टोरेंट, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं चौराहा के कॉल कर रही हूं, ठीक है? डिजिटल फुल मोड, ठीक है, आओ। ओके ओके बाय। ओके कैमरा कॉल आ गया। हेलो हेलो, कहां पे हो आप? मोहित मैं बोरिंग रोड आ गई, यहां से कहां जाना है? चौराहा के पास हीरा पन्ना है ना? हीरा पन्ना? हां, जस्ट उसके उसके पीछे है। अच्छा, उसके DFM है क्या? हां DFM है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही। ठीक है, ये भी आ चुके हैं, ठीक है। आप खाओ तब तक और फिर इन्हें चलाते हैं। आ गए। नानी। हाय। कौन है ये? हाय। एक्चुअली मैं दो दिन से बहुत बिजी था, मैं भी सोचा था बात अब से हो नहीं पा रही, मिल नहीं पा रही। हम लोग घूमने गए थे, ठीक है? कहाँ घूमने गए थे? अरे हम लोग दो दिन से घूम रहे थे बहुत ज़्यादा, कैसे आपको बताऊँ। मैं और ये मिले? कौन है ये? पहली बार देख रही हूँ उसे। कहाँ से आ रहे हो वैसे आप, बताता हूँ। मैं डांस क्लास से आई यार, उसके बाद सीधा घर गया, चेंज वेंज किया। कहीं ना पिज्जा कहीं ना पिज्जी कहीं ना। कौन है ये बताओ तो सही। ठीक है मैं बताऊंगा ना, कौन है पहले यार। स्पेशल पिज्जा आपके लिए। थैंक यू। टेस्टी बताना कैसा है? केचप भी चाहिए। ओके वेट, एक्चुअली यानी आपसे बात नहीं हो पा रही थी ना, आप ऐसा नहीं था, आपने बोला इग्नोर। मैं इग्नोर नहीं कर रहा था यार, कुछ काम। मतलब चार दिन से मैं तुम्हें फोन भी कर रही थी, मुझे शूट से रिलेटेड। कल भी मैंने फोन किया, तुम्हारा वेटिंग पे आ रहा था पर तुमने कॉल बैक नहीं किया। वेटिंग पे कल रात के 11 बजे, देखो ध्यान भी है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। मिली है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, और यार हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर मस्ती कर रहे हैं, तो सही है। टाइम नहीं मिल पा रहा है, काम वाम नहीं करना है। कुछ ऑर्डर अगर आपके लिए बोले तो मैं करूं। और कुछ नहीं, नहीं काफी है। काफी कुछ है। एक ये मंगाता हूं ना, हम लोग तो एक में ही पी रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक में ही पी रहे थे, तो कोई नहीं मैं भी उसमें पी लूंगी, क्या दिक्कत है। जैसा मैंने स्टोर ले आएगा एक तो। तो फाइनली अब जाने को बताया जाए, ठीक है। क्या बताना है?
नहीं मुझे कुछ घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो, जो अब सीधा सीधा बोलो ना, बता दीजिए। देखिए एक्चुअली कुछ है, समझ गई मैं, समझने वाली बात नहीं है। मेरे को समझ में आ गया, मत बताओ। सर मार रही है ना मुझे, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। एक्चुअली 2 लाख होने वाला है, ये बताओगे? गोल्डन प्ले बटन आने वाला है क्या? YouTube ठीक है, YouTube के अलावा भी कुछ लाइफ है तो यार मेरे को तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं आजकल। Oh my God, जेनी को इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। That's too good, आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, please. Thank you. हाँ, उसके अलावा actually मैं बता दूँ आपको, मैंने आदित्य को propose किया और हम लोग डेट कर रहे हैं दूसरे को अभी। क्या मजाक कर रहे हो आज? यार मजाक मत करो ठीक है। ये क्या बोल रहे हो? क्या नाटंगी कर रहे हो? मेरे को अच्छे से पता है तुम इतनी छोटी से भी ज्यादा बात तुम मेरे से शेयर करते हो। अब 4 दिन से बात नहीं हुआ तो क्या तुम इतना बड़ा डिसीजन मेरे से बिना पूछे? वही बात है ना जेनी, कुछ बात थी इसलिए नहीं हो पा रहा था ना। एक्चुअली आदित्य है और इसको ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब क्या पसंद नहीं है? तो मतलब यार दो दिन से मेरी मतलब मैं सूट नहीं कर पा रहा था, सूट भी नहीं हुई मेरी और हम लोग डेट कर रहे हैं। मतलब क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी और इसे भी बहुत। क्या अच्छा लग रहा है इसमें यार? इसको बुरा लगे, आप क्या बोल रहे हो? मैं क्या करूँ, बुरा लगेगा तो? ज्यादा नहीं हो गया? क्या ज्यादा हो गया मैम? मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ यार। मतलब ये दो दिन की आई हुई लड़की यार। तो जेनी आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशन क्यों तोड़वा रहे हो यार? अच्छा थोड़ी आप इग्नोर करते हैं और मैं आपको यही बताने वाला था यार, आप क्यों अपना मूड स्पॉइल कर रहे हो? मूड स्पॉइल नहीं कर रही, छोड़ो मैं पिज्जा खा रही हूं, मेरे को बहुत टेस्टी लगा था सर भाड़ में जाना। यार जेनी कुछ ज्यादा नहीं, और क्या भाड़ में, मतलब किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप? तो यार भाड़ में जाना मेरे को उससे क्या मतलब है, तुमसे मतलब है ना? वो कौन है मेरी? एक्सक्यूज मी, मैं इससे बात कर रही हूं, आप मत बोलो। बेस्ट फ्रेंड ना, नॉट इंक्लूड मी प्लीज। हम लोग के ऊपर क्या शक तो मैं क्लियर कर रहा था ना, तो आप तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि क्या क्यों आपको प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब मेरा चॉइस है ना गर्लफ्रेंड, मैं अपनी चॉइस बनाऊंगा कि आपकी चॉइस बनाऊंगा? तो यार चॉइस की बात नहीं है मोहित, तो किस चीज की बात है सर? तो देते ना क्या होता था मैं तुम एक छोटी चीज मेरे से शेयर करते आए हो ना? शेयर करता हूं मैं, आपसे पूछता नहीं हूं, मैं इस चीज को भी शेयर कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो मैं पूछ के करते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड में आपसे पूछ के बनाओ ना? बिल्कुल पूछ के बनाओ, क्योंकि आजकल के लड़के कैसे होते हैं तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है? तुम्हारी लाइफ में पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, मैं नहीं चाहती इसके जैसी लड़की फिर आए तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके चले जाए, समझे? मेरे को तुम्हारी बहुत फिक्र है यार। अच्छा खासा मूड आप स्पॉइल कर रहे हो, ठीक है? तो यार जब मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल कर दूं तो मेरे को क्यों बुलाते हो? आप स्पॉइल करते नहीं हो जानी, कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ। Not always. वो कब से आई यार तुम्हारी लाइफ में? तुम उसके वजह से उसके सामने मेरे को सुना रहे हो? मैं सुना नहीं रहा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या हो जाती है यार? मेरे से बात करना नहीं कहते आप, मिसबिहेव कर रही हूँ। मैं गर्लफ्रेंड है तो है, वो लोग उस तो अच्छा है, ठीक है? क्यों नहीं हो सकती?
यार जैनी क्या तब से तमाशा करके रखे, फालतू में आपको बुरा लग रहा है। और हाँ आप ज्यादा माइंड मत करिए, ठीक है यार। ठीक है ना, पास्ट मैं नहीं याद करना चाहता और मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ बातें मैंने, ठीक है इग्नोर करते, मैं मूड खराब नहीं करता। बात तो सुनो यार, तुम क्या है, बोलिए बोलिए। तुम एक मिनट उसको बोलो साइड जाने, मुझसे तुम्हें पर्सनल कुछ बात करना है। जेनी यही तो दिक्कत है ना, इसे शक यार, एक लड़की और शक होगा हम लोग को लेके कुछ। बस दो मिनट तो मेरे से बात नहीं कर सकते हो बेबी? सुनिए इधर को, क्या बेबी कर रहे हो यार, आपको हर चीज प्रॉब्लम, दो मिनट इसको बोल रहा हूँ बैठने के लिए। तो वो खुद से जा सकती है ना, बुरा लगता है समझिए ना। तो मोहित मुझे बुरा लग रहा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं लग पड़ रहा है। एक बस एक मिनट मोहित, तुम नहीं जाओगे। मोहित बात तो सुनो, अभी दो मिनट अब बैठो ठीक है, और आप तो प्लीज खाना टेंशन मत, बात करते ठीक है, प्लीज थैंक यू। ठीक है बोलिए क्या आप। तुम मुझसे अकेले मिला करो ना यार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जैनी आपने बोला, एक बार तुम बता देते ना कि मतलब ऐसा कुछ बात है, मुझे लगा सूट से रिलेटेड या फिर कुछ और काम होगा, इस वजह से मैं आई थी यहाँ पे। तो यार आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब मेरी मैं चाहता हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड को किसी से प्रॉब्लम ना हो, दोनों मिलके साथ रह के बैठे बात करें। मैं चाहती हूँ ना, मतलब तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, इस वजह से मुझे इशू है यार। तुमने देखा तुम्हारे पास्ट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ है, मैं तुम्हें फिर से उस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तुम क्या हो गए थे मोहित, तुम काम पे फोकस नहीं कर रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। मैं नहीं चाहती यार कि मेरा दोस्त फिर से दलदल में फंसे। मुझे तुम्हारी फिक्र है मोहित, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जैनी फिक्र है, आप क्या चाहते हो तब, मतलब देखिए मैं आपको साफ बताता हूँ, हम और मैं और वो अदिति बहुत क्लोज जा चुके हैं और हम लोग डेट कर रहे हैं, दो तीन दिन हो चुका है और मुझे बहुत जैन दिल से बता रहा हूँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, लड़की बहुत अच्छी है यार। तो बस ये चार दिन वाला ही अच्छापन होता है ठीक है जैनी, इस चीज़ को अब कोई अच्छा बात कर, कोई फायदा है। कितनी तुमने ट्रस्ट किया था ना आज से पहले बताओ, बट रिजल्ट क्या मिला? रहने देते हैं ना जैनी प्लीज, रहने देते हैं ना, ये सब करना। सक्सेस के ऊपर ध्यान दो मोहित। जैनी मैं ध्यान दे रहा हूँ ठीक है, मुझे मेरे लिए सक्सेस मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता है आपको ना मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था यूट्यूब से, मतलब मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट यार गर्लफ्रेंड वो मुझे अच्छी लग गई, उन लोगों का बॉन्डिंग अच्छा हो गया, रिलेशनशिप में आ गया, दिक्कत क्या है आपको? मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ यार, भाड़ में बात सुनो, भाड़ में आपका भलाई, दिमाग खराब करके बात सुनो ना मोहित। हरकत पे या फिर तेरी तारीफ कर, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं मर भी ना। आप बैठा देते ठीक है जी। हाँ ये अदिति है, सुनिए सुनिए बात सुनिए ठीक है, फालतू में मैं ड्रामा नहीं करना चाहता हूँ। अदिति है, बंदी है मेरी और सुनिए गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्या करूं, प्यार भी करता हूँ इससे, तो ठीक है मैं क्या करूं? तो अब फालतू में अगर आपको प्रॉब्लम है जनेश से तो मोहित मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तुम्हारी फिक्र थी तुम्हारे पास्ट में, इसीलिए तो मैं जिस फेज से गुजरे मैं नहीं चाहती थी कि तुम तुम्हारे साथ फिर से वैसा, इसलिए मैंने कंसर्न दिखाया। आई एम सो सॉरी मोहित रॉय, आप मोहित रॉय हो ठीक है, अब तुम अपने यार लिसन लिसन सुनिए बात सुनिए ना, मैंने आपको इससे मिलवाया कि आप बात करो मिलो कि फ्यूचर मुझे पता, लेकिन आप नहीं मिला जाता, तुम पहले नहीं होती ना, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही हूँ ठीक है, बीच में आप मत क्या जानी, आप इसको इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसकी गलती क्या है यार, इसकी गलती है, ये तुम्हारी लाइफ में आई है, तुम्हारे करियर बर्बाद कर देगी ठीक है, और तुम बर्बाद करवाओ आपके माइंड में ऐसा क्यों सेट जानी प्लीज ना यार, क्या आप और मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं बात नहीं चला दूंगा ठीक है, लेकिन आप अपना मूड इस पर मत करो यार। तुम यार मोहित मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था यार कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, पहले करियर पे फोकस करो, लाइफ बनाओ अपनी। जेनी लाइफ बन रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन यार तुम यार दो दिन में मतलब इसको तुम बोल रहे हो गर्लफ्रेंड है फ्यूचर है लाइफ है, ऐसा थोड़ी होता यार, टाइम दो ना। तो है ना गर्लफ्रेंड है ठीक है, तो टाइम देने के बाद कुछ होगी ना, अभी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। चलो ठीक है मुझे सारी गलती मेरी है, तुम लोग एंजॉय करो फालतू का, सॉरी आपको भी सॉरी ठीक है जैनी। क्या
मैंने उसे भी सॉरी बोल दिया, तुम्हें नहीं भी सॉरी। क्यों सॉरी? आपने कुछ नहीं किया, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार मेरे से गलती हो गई ना यार, कि मैंने हद से ज्यादा तुम्हारा फिक्र कर लिया। नहीं पता, आप ओवर एक्ट कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो हर एक चीज पे, ठीक है? आपको रहना है, आप प्रॉब्लम सुनिए आदित्य ना, ठीक है? आप रहो अदिति और बुरा मत मानेगा, ठीक है? ठीक है यानी मैं इसको ड्रॉप करके आता हूँ, ठीक है? आप फालतू में ड्रामा कर रहे हो, समझ में आया? चलिए मुझे चाल समझ में आई, वफा ना रास आई। यार जेनी क्या हो गया, आप रो रहे हो यार फालतू में? आगे ड्रॉप करके मुझे नहीं लगा था कि आपको प्रॉब्लम मतलब हो रही है। तो आपको क्यों प्रॉब्लम? मेरे को अकेले छोड़ के चले गए, उसको ड्रॉप करे, तुमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं तो तुम्हारा यार भला चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा, लेकिन तुमको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। जेनी पिज्जा कैसा लगा? सुनिए सुनिए पिज्जा कैसा में जाओ, सुनिए ना यार, ठीक है? सुनिए पिज्जा गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम, पिज्जा से प्रॉब्लम है। आपका फेवरेट पिज्जा ऑर्डर किए थे यार, ठीक है? सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है? आदिति फिर से उसे क्यों बुला रहे हो? ठीक है, ये मिलना चाहती है आपसे। हंसी आ रही है ना, मैं रो रही हूँ तो हंस क्यों रहे हो? मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिन कभी ना आए। गर्लफ्रेंड यार मेरी, क्यों लास्ट गर्लफ्रेंड सामने आप मार रहे हो? अच्छा ठीक है, देखिए एक बार वहाँ देखिए ना, वहाँ देखिए ना अरे वहाँ देखिए ना, दिल में लाओ यार, गर्लफ्रेंड है किसी आदिति। बहुत मतलब फर्स्ट टाइम एक्टिंग तरीके से बहुत बेस्ट था। और गाइस जेनी का आज अच्छा खासा पपट बन चुका है, क्या हो गया था बेचारी? बहुत बहुत मेहनत कर रही है यार गाइस, लेकिन बहुत रोती भी, बहुत ज़्यादा रोती है। कोई नहीं, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और पिज्जा पिज्जा खिला दो जेनी को। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाइस बहुत रुलाता है मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है?